बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दुनिया की तारीख का मुताला किया जाए तो मंगोलों से ज़्यादा जालिम और खून ज़ेर कोई और कौम नहीं गुजरी होगी। ये मंगोल ही थे जिन्होंने अब्बासी सल्तनत को तबाह किया और मुसलमानों के जवाल का सबब बने। मंगोल ऐसी कौम थी कि जिसे इंसान कहना इंसान की ही तुहीन होगी, क्योंकि ये तो जानवर से भी बदतर और दरिंदे थे। ये इंसानों के खून के प्यासे थे। ये कौम किसी मजहब माशरे के कानून और इकतदार को नहीं मानती थी। चंगेज़ खान कहता था कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक़्त होती है जब मैं किसी दुश्मन को तबाह बर्बाद करके उसके वारिसों की आंखों में आंसू देखता हूँ, उनकी मालो दौलत अपने कब्जे में ले लेता हूँ, अपने दुश्मन की औलाद बीवी बच्चों को अपना गुलाम बना लेता हूँ। मंगोलों ने बुखारा जैसे बारौनक शहर की ईंट से ईंट बजा दी। मंगोलों ने समरकंद में 10 लाख अफराद को कत्ल करके उनके आलिशान महल्लात और उनके बागात को तबाह कर दिया था, जबकि ख्वारज़म शहर में 12 लाख अफराद को कत्ल कर डाला। बामयान शहर को उन्होंने सफ़े हस्ती से ही ख़त्म कर डाला, क्योंकि वहाँ एक मंगोल शहजादा कत्ल हो गया था। मंगोल शहजादे के कत्ल होते ही सिपाहियों को हुक्म हुआ कि वो शहर में जो औरतें हामला हैं उनके पेट फाड़कर होने वाले बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाए। मंगोल जहाँ जाते खोपड़ियों के मीनार बनाते थे, हर तरफ तबाही मचा देते थे, इंसानों को कत्ल कर देते थे, उनके मालो दौलत को आग लगा देते और जानवरों को भी ज़िबह कर देते थे। तारीख में लिखा है कि हर रात में मंगोलों ने 16 लाख इंसान को चीर फाड़ दिया था। उन शहरों में जितने भी दानश्वर शायर स्कॉलर मुसर्रफ और लिखारी मंगोलों ने सबको सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। उन्होंने मुस्लिम आर्ट और कल्चर को ख़त्म कर दिया, कुतुब खानों को जला दिया, कई हज़ारों सालों से महफूज कीमती नुस्खे, इलम के ख़जाने और मुस्लिम सल्तनत का जाहो जलाल सब कुछ तबाह कर दिया था। वो मरगजार शहराएं और वादियां शहर जहां लोग खुशबाश जिंदगी बसर कर रहे थे, सब कुछ देखते ही देखते तबाह बर्बाद हो गया। जब 1258 में चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान बगदाद पर हमला आवर हुआ, उस वक़्त बगदाद मुस्लिम शान और शौकत का मरकज़ था। मौरखीन का कहना है कि 34 दिन के अंदर 18 लाख इंसान को कत्ल कर दिया गया। बगदाद की गलियों में हर तरफ खून ही खून नज़र आता था। जहां भी नज़र जाती हर तरफ लाशों के ढेर नज़र आते थे। मोतसिम बिल्ला जो उस वक़्त सल्तनत का हुक्मरान था, उसको मंगोलों ने घोड़ों के आगे दौड़ा दौड़ा कर मार दिया। मौरखीन लिखते हैं कि बगदाद की तबाही फ़कत सिर्फ उस शहर की तबाही न थी, बल्कि इस तबाह ने लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा खौफ और डर पैदा कर दिया था। लोग नफ्सियाती मरीज हो गए थे। खलीफा को मुस्लिम उम्मा का रूहानी सरबरा तस्वर किया जाता था। बदतरीन दौर में भी खलीफा को इत्तेहाद की अलामत माना जाता था। बगदाद उस वक़्त दौरे खिलाफत का मरकज माना जाता था। मंगोलों ने उस वक़्त बगदाद की हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। बगदाद में जो भी किताबें नुस्खे अजीम खजाने और कई सौ बरस से तैयार करदा नुस्खे को मट्टी में मिला दिया गया था। बगदाद में मौजूद मस्जिद हस्पताल महल्लात लाइब्रेरियां सब कुछ मंगोलों ने तबाह बर्बाद कर दिया था। हर तरफ तबाही और लाशों के ढेर ही नज़र आ रहे थे। शेख सादी ने उस वक़्त शेराज में बैठकर बगदाद का नोहा लिखा, जिसको आज भी फारसी शायरी में बहुत ही मकबूलियत हासिल है। ईरानी और अरब जिन्होंने दुनिया को आला पाए के इल्म और उलूम से नवासा, सकूत बगदाद के बाद फिर भी इकट्ठे नहीं हुए थे। अरबी जो कई सालों से ईरान में मजहबी साइंस और फलसफे की ज़ुबान थी, तमाम हुकमा और साइंसदान उसी ज़ुबान में तहकीक करते थे। जब मंगोलों ने बगदाद को तबाह किया तो उसके साथ ही उनकी ज़ुबान का भी नामो निशान कोई ना रहा। जब मंगोलों ने बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया था तो किसी की सोचो गुमान में भी ना था कि मुसलमानों को कभी भी अरूज हासिल होगा। 250 साल के बाद सल्तनत उस्मानिया को अरूज हासिल हुआ, जो यूरोप से लेकर अफ्रीका तक जा फैला। बड़े सगीर में मुग़लों की हकूमत भी एक अलग मुकाम रखती है। अरबों तुर्कों और मुग़लों के जवाल की बेशुमार वजूहात हमको तारीख में मिल सकती हैं, इससे शायद हमको सबक भी हासिल हो सकता है। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।